हेमा दीवान। हेमा? या हेमा आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं वहाँ अकलवारा से हूँ, ये गरियाबंद में आता है। ये बताइए हेमा कि कितना अंतर आपने छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में महसूस किया है? अगर हम फीमेल और मेल्स में भेदभाव की बात करें तो ये मैंने बहुत देखा है कि कहीं ना कहीं जैसे भी हो, अगर लोग बोलते हैं कि हाँ इक्वलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स को कहीं ना कहीं डाउनवर्ड फेस करना ही पड़ता है। हमने बहुत देखा है ऐसा कि जो मेल रहते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे काम पे हो, सैलरी पे हो या किसी भी चीज पे हो। ये मान्यता चलती आई है कि फीमेल्स को उतना नहीं आता, भले वो कितने भी लेवल पे हो। यही मानते लोग कि उसको उतना नॉलेज नहीं है, वो नहीं कर सकती। इस चीज पे भले ही सरकार आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्तर है जहाँ पे उनको ये समझने की जरूरत है कि हर तरह से महिलाओं को कुछ ना कुछ सहयोग की आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए, आप जब वोट देने जाती हैं, मैं आपसे नाम पार्टी का नहीं पूछ रही हूँ, प्रत्याशी का नहीं पूछ रही हूँ, क्या सोचकर क्या मुद्दे होते हैं जिन पर आप वोट देती हैं? देखिए, मैं यूथ हूँ, एक इंडिया की यूथ हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक ऐसे गवर्नमेंट को चूज करूँ जो आगे के जाके यूथ को ऐसे सपोर्ट करे कि वो हमारे देश को बनाए। मैं ये देखूंगी कि कैसे एम्प्लॉयमेंट दे रही है, हमारी सिक्योरिटी और हमारी सेहत को देख रही है। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम मेन अपने यूथ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट को देखती हूँ। युवाओं को लेकर बात होनी चाहिए। जी मैडम, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि भाई साहब ने बोला गरीबी, लास्ट 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, आप जहाँ पे खड़े हो मैडम 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर, कम से कम 70 से अधिक 80 ठेले लगते थे। उन ठेलों को कौन हटवाया और क्यों हटवाया, बताएंगे सम्माननीय? अरे जितना भी ये मतलब जो भी अभी ये जो बड़े बड़े बने हैं, ये सब कोई ना कोई नेता के थ्रू ही मतलब मिले इनको, जितने भी टेंडर, किसी गरीब का कोई, चाहे आप अपना रेलवे स्टेशन का पार्किंग ठेका ले लो, चाहे घड़ी चौक का पार्किंग ठेका ले लो, चाहे दस्तम चौक में पार्किंग का ठेलो, सारे कांग्रेस के आदमी के पास है। और जितने ठेके मैडम, आप न्यूज में भी पढ़े होंगे कि जैस्तम चौक के पास पार्किंग ठेका में ब्रेक हुआ, किसके पास है उसका टेंडर? इनके पास है। अवैध वसूली मैडम रेलवे स्टेशन में ठेका किसके पास है? इनके पास है। ये गरीबों के बारे में जो बात करें ना मैडम, ये जो ठेले की उन्टी यहाँ सटा है, जो मैडम यहाँ लात 18 साल से लग रहा है मैडम, आज पूरा गरीबों का ठेला यहाँ सट गया, एक भी नहीं दिख रहा मैडम इसके बारे में। मैडम वो जो रेलवे स्टेशन है वहाँ अवैध वसूली होता है, वहाँ पार्किंग में लोगों से बदतमीजी से बात किया जाता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। कल ही मेरे को एक का फोन आया था, सरकार बदल गई ना अभी, पर टेंडर इन्हीं का, आसिफ मेमन करके इनके हैं कार्यकर्ता, उन्हीं का टेंडर है अभी भी। आप पूछिए ना उनसे, आप उनसे पूछिए। देखिए दो प्रश्न भाई साहब ने किया कि यहाँ पर ये दुकान जो है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जिस दिन इस यहाँ दुकान बनाने का टेंडर हुआ उस समय का इनका एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है, वहां पर एक आवेदन आप दे दीजिए और कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए मित्र, कॉल डिटेल्स बस निकाल लीजिए कि यहाँ का जो ठेकेदार है वो उस समय आपके कौन से बीजेपी के एमएलए के संपर्क में था, और यहाँ पर वो पार्टनर है कि नहीं आपका एक एमएलए। एक मिनट, आपकी सरकार है भाई, नहीं नहीं, उसी समय आपका विधायक था और वो यहाँ पर पार्टनर है, श्रीचंद भैया बेहतर नाम जानते हैं। मैं संस्कार के कारण मैं नाम नहीं लेना चाहता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने क्या कहा स्टेशन का ठेका, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एक नाम आपने कहा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन दूसरा ठेका एक बीजेपी का पार्षद, वर्तमान में भी पार्षद है, उसके पास ठेका है, उसके विषय में क्यों नहीं ये कह रहे? अरे आप कर रहे हो, अरे आपका है, अरे आपका है, अरे आपको फिर पता ही नहीं है, अरे आपका है, आपका पार्षद है, आपका पार्षद है, आपका पार्षद ठेका चला रहा है। मैं आपको नाम बता दूंगा, आपको मैं नाम बता दूंगा बाद में, पता ही नहीं है फिर आप लोगों को, सॉरी। खड़े हो जाइए जी। हाँ, सर आपका नाम क्या है? मेरा संतोष कुमार फेकर। संतोष जी क्या करते हैं आप? मैं प्यून हूँ ऑफिस में। अच्छा संतोष जी, आप बताइए कि कुछ कर भी रहेंगे पार्टी वार्टी या नहीं करता कुछ? कोई नहीं, पार्टी वार्टी में है सर, मैं कांग्रेस से सपोर्ट करता हूँ। हाँ, क्यों सपोर्ट करते हैं? उसमें क्या है, थोड़ा सा महंगाई महंगाई कम रहता था कांग्रेस के उसमें। अभी महंगाई कोई बात करता नहीं करता है? अभी तो बहुत महंगाई हुआ है। कितना असर पड़ गया आपको महंगाई? बहुत असर पड़ रहा है मैडम हम लोग को तो, जैसे दाल है, आम दाल खाने कर अभी 60-70 रुपए किलो में आ जाता था दाल, अभी 200 रुपए किलो आसपास से लगा है। बस और कुछ नहीं, बाकी सब सरकार ठीक है। महंगाई तो मैम हर जगह में है, ऐसा नहीं है कि जहाँ कांग्रेस का सरकार है वहाँ फ्री में तो नहीं मिल रहा, वहाँ भी महंगाई है।
जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी महंगाई है ना, ऐसा मतलब गरीब आदमी बात ही ना करे महंगाई की। नहीं, महंगाई की बात करिए लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये तो देश में हर जगह महंगाई है ना, सिर्फ एक जगह महंगाई है बीजेपी की सरकार है महंगाई, ये गलत बात है। उन्होंने ये नहीं कहा ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं उनको बात को नहीं कर रहा हूँ, महंगाई हर जगह, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी महंगाई, ऐसा तो नहीं जहाँ कांग्रेस बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए महंगाई, क्यों नहीं होनी चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं ना कि बात किन मुद्दों पर होनी चाहिए और बात किन मुद्दों पर हो रही है। जी सर, सुंदरानी जी, पार्किंग विवाद तो अमित जी ने डील कर ही लिया है, वो कर ही रहे हैं यहाँ पर, महंगाई को लेकर एक आवाज उठी है वहाँ, संतोष जी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाई है, लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया है। 3 माह छत्तीसगढ़ सरकार को हुए 20,000 करोड़ रुपया हमने जनता को, किसानों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से बहनों को माताओं को देने का काम किया। कहीं थोड़ी बहुत महंगाई, फसल कम हो जाती, थोड़ी महंगाई बढ़ जाती है, फसल ज्यादा हो जाती दाम कम हो जाते हैं, कभी है, प्याज। एक्सक्यूज मी मैम, जरा आगे आइएगा प्लीज। अरे नहीं नहीं, महंगाई की बात हो रही है इसलिए आपसे सवाल है, बस आ जाइए, वो लोग सुन नहीं पाएंगे, नॉर्मल बात है, महिलाएं भाग लेंगे जैसे कैसे काम चलेगा, महंगाई है या नहीं पहले बताइए। जी महंगाई तो है, उधर आइए, सुन नहीं पा रहे हैं लोग आपको। हाँ बताइए, महंगाई है। अच्छा, अरहर की दाल का रेट क्या हो गया है? वो तो नहीं पता। दालें पिछली बार के मुकाबले महंगी हुई है नहीं हुई है? महंगी तो है, महंगाई है। बीजेपी का कहना है कि हमने आमदनी भी बढ़ाई है, ऐसा है, इनकम बढ़ी है? हाँ इनकम बढ़ी है मोदी के राज में। हाँ महंगाई भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है साथ। आप वोट देती हैं? जी। क्या सोच कर देती हैं? कि चीजें सस्ती होंगी। मतलब मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं कैंडिडेट का नाम नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मुद्दे क्या रहते हैं जिनको सोच कर आप बटन दबाती हैं? मुद्दे चौपाटी घूमने ऐसी बोलना नहीं जा रही है, लेकिन देखिए महिलाएं अगर ऐसे शांत रहेंगी तो काम नहीं चलेगा ना। जी सर, आपने बात कम्प्लीट कर। देखिए जहां तक महंगाई की बात है, वो फसल पे निर्भर होता है, हर मौसम में फसल में कभी ज्यादा फसल हो जाए, कम फसल हो जाए, कभी प्याज 100 रुपए बिकता है, कभी प्याज 50 रुपए बिकता है, कभी 2 रुपए में प्याज बिकता है, कभी टमाटर 60 रुपए में बिकता है, कभी टमाटर 2 रुपए में बिकता है, ये फसल पे निर्भर करता है। लेकिन आम जीवन की वस्तुएं, जो किचन की वस्तुएं, आज भी महंगाई कांग्रेस सरकार से कम है। एक सिलेंडर की बात कांग्रेस करती है, लेकिन आज भी अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेने जाए सामान्य रूप से तो 603 रुपए का उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को मिल रहा है। 5 किलो चावल मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को, भारत की जनता को देने का काम मोदी सरकार कर रही है, ताकि 80 करोड़ नागरिकों तक 5 किलो अनाज पहुंच रहा है। देखिए लगातार गरीबों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, गरीबी कम हो, गरीबी कम हो, रोजगार के अवसर बढ़े, यह काम हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार। हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से, ये बोलते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी मोदी जी ने, रोजगार नहीं दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 साल में 18 करोड़ नौजवानों को मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का ऋण देकर एक नौजवान 4 नौजवानों को रोजगार दे सके। 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम मोदी सरकार ने किया है और अब 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। सर जवाब देते हैं, समय हो रहा है। जी, पूछ रही है दुखी जनता आज क्यों इतनी महंगाई है, अच्छे दिनों का वादा करके कहाँ छुप गया वो हर जाइए। अभी भैया सिलेंडर की बात कर रहे थे, मतलब ये तो पक्की बात है कि 56 इंच की छाती 500 रुपए में सिलेंडर नहीं देने वाली। रही बात उसके पहले जो यहाँ चर्चाएं चल रही थी, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि 16 लाख करोड़ रुपए अपने कॉरपोरेट मित्रों का इन्होंने माफ किया, वेव ऑफ कर दिया, लेकिन किसी गरीब का माफ नहीं किया। और रही बात है किसानों की, कह रहे थे तो 2022 तक तो इनको आय दुगनी करनी थी, इन्होंने तो लागत दुगनी कर दी। रही बात तो आपके कार्यकाल को याद किया जाएगा साहब, 100 रुपए पेट्रोल, डीजल 90 रुपए और टमाटर तो 150 रुपए तक पहुंच गया था। जनता इन सारे सवालों का जवाब अपने वोट अधिकार के मत से देने वाली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता अब एक ही चीज कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए और बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहिए। जी, आप उनके लिए पैरवी कर रहे थे? नहीं, वो अपने लिए पैरवी खुद कर सकते हैं ना। हाँ। हाँ। दोनों पार्टी बैठे हो, दोनों से सवाल है कि अभी भाजपा वालों ने चुनाव में इसे तो नहीं सही बो खदेड़ के रही बो, और कांग्रेस वालों की से कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ वो आधार पे छत्तीसगढ़ शासन करी से नदिया नरवा घुरवा बारी एला बचाना संगवारी, दोनों पार्टी छत्तीसगढ़ ही चुनाव में बोलते लेकिन शिक्षा रोजगार और कामकाज 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी गाया हुए, जबकि 67% बात छत्तीसगढ़ी के है वे, बिना छत्तीसगढ़ी के चुनाव नहीं जीत सको।
आज अभी देखा था वो मोदी की गारंटी लिखा है छत्तीसगढ़ी में लिखा है, बस्तर तक है जाता छत्तीसगढ़ी में। लेकिन जब 2009 में हमारे यहाँ 10 सांसद देहन, 2014 में 9 सांसद देहन और 19 में 9 सांसद देहन, ओकर बाद छत्तीसगढ़ी आज साग पर जुदा थे। वे भाजपा वाले थे कि हम इन छत्तीसगढ़ बनाए, हम इन समाज वो तो राजभाषा बने इसमें माना था, आयोग बने इसमें माना था, कांग्रेस वाले 5 साल छत्तीसगढ़ी के नाम से ढिंडोरा पीटी इसमें माना था। लेकिन असली शिक्षा में कब हुई छत्तीसगढ़ी, कब रोजगार में हुई? एमए छत्तीसगढ़ी 2013 से आज तक जो रोजगार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ी कब हुई? आप एवं सदन में का उठो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, गर्व है हमें इस बात का कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, जिस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक आंदोलन नहीं हुआ, एक रक्तपात नहीं हुआ, और छत्तीसगढ़ राज्य बना के छत्तीसगढ़ आज विकसित प्रदेश बनने की कगार पे खड़ा। आज हम मरीन ड्राइव पे खड़े हैं, यहाँ की क्या स्थिति थी तालाब की, और शहर का विकास कैसा हुआ, प्रदेश का विकास कैसा हुआ, गांव को शहर से जोड़ने का काम आज अगर छत्तीसगढ़ स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण आज हम गर्व के साथ कहते हैं ना, या भूपेश बघेल जी कहते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या अन्य नेता करते हैं, निश्चित रूप से हमको गर्व होता है उस प्रधानमंत्री के ऊपर जिस प्रधानमंत्री ने हमको छत्तीसगढ़ राज्य दिया और छत्तीसगढ़ के नागरिक कहने का अधिकार दिया। सर, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात हो रही है, एक मिनट, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि वो जो बोरेबासी नहीं मनाने का फैसला लिया गया वो क्यों? बोरेबासी को मनाने की जरूरत है क्या? हमारे रग रग में बोरेबासी बसा हुआ, छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर नागरिक बोरेबासी खाता है, इसको एक दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता है? क्या हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के लोगों को याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी? भूपेश बघेल को याद आने की जरूरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को बोरेबासी याद करने की आवश्यकता नहीं है। हर मतलब ये कोई पॉलिटिकल रिवेंज नहीं है? बिल्कुल नहीं है।